आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी स्मृति का पुजारी। महाशय होरीलाल की पत्नी का जब से देहांत हुआ वह एक तरह से सारी दुनिया से ही विरक्त हो गए हैं। यूं तो रोज कचहरी जाते हैं, अब भी उनकी वकालत कोई बुरी नहीं है। मित्रों से राह रसम भी रखते हैं, मेलों तमाशों में भी जाते हैं, पर केवल इसलिए कि वे मनुष्य हैं और मनुष्य एक सामाजिक जीव है। जब उनकी स्त्री जीवित थी तब कुछ और ही बात थी। किसी न किसी बहाने से आए दिन मित्रों की दावतें होती रहती थी। कभी गार्डन में पार्टी चल रही है, कभी संगीत है, कभी जन्माष्टमी है, कभी होली है। मित्रों का सत्कार करने में जैसे उन्हें मजा आता था। लखनऊ से सुफेदे आए हैं, अब जब तक कि वो दोस्तों को खिलाना लेंगे उन्हें चैन नहीं पड़ेगा। कोई अच्छी सी चीज खरीद करके उन्हें यही धुन हो जाती थी कि उसे किसी को भेंट कर दें। जैसे और लोग अपने स्वार्थ के लिए तरह तरह के प्रपंच रचा करते हैं, वह सेवा के लिए षड्यंत्र रचते थे। आपसे मामूली जान पहचान है, लेकिन उनके घर चले जाइए तो चाय और फलों से आपका सत्कार किए बिना न रहेंगे। मित्रों के हित के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार हैं और बड़े ही खुशमिजाज। उनके कह कहे ग्रामोफोन में भरने के लायक होते थे। कोई संतान तो नहीं थी, लेकिन किसी ने उन्हें दुखी या निराश नहीं देखा। मोहल्ले के सारे बच्चे उनके अपने बच्चे थे और स्त्री भी उसी रंग में रंगी हुई थी। आप कितने भी चिंतित हों, उस देवी से मुलाकात होते ही आप फूल की तरह खिल जाएंगी। न जाने इतनी लोकोक्तियां कहां से याद कर ली थी। बात बात पर कहावतें कहती थी और जब किसी को बनाने पर आ जाती थी तो उसे रुला करके छोड़ती थी। ग्रह प्रबंध में तो उसका कोई जोड़ ही नहीं था। दोनों एक दूसरे के आशिक और उनका प्रेम पौधों के कलम की भांति दिनों के साथ में और भी घनिष्ठ होता जाता था। समय की गति उस पर जैसे आशीर्वाद का काम कर रही थी। कचहरी से छुट्टी पाते ही वह प्रेम का पथिक दीवानों की तरह घर की ओर भागता था। आप कितना भी आग्रह करें पर उस वक्त रास्ते में एक मिनट के लिए भी ना रुकता था। और अगर कभी महाशय जी के आने में देर हो जाती थी तो वह प्रेम योगिनी छज्जे पर खड़ी होकर के उनकी राह देखा करती थी। और 25 साल के अभिन्न सहचर ने उनकी आत्माओं में इतनी समानता पैदा कर दी थी कि जो बात एक के दिल में आती थी वही दूसरे के दिल में भी उठती थी। यह बात नहीं है कि उनमें मतभेद नहीं होता हो। बहुत से विषयों में उनके विचारों में आकाश और पाताल का अंतर था और अपने पक्ष के समर्थन और परपक्ष के खंडन में उनमें खूब झाँव होती थी। कोई बाहर का आदमी अगर सुनता तो उन्हें ऐसा लगता कि दोनों लड़ रहे हैं और अब हाथ पाए की नौबत आने ही वाली है। मगर उनके मुबाह से मस्तिष्क के होते थे, हृदय के दोनों एक थे, दोनों सहृदय, दोनों प्रसन्नचित्त, स्पष्ट कहने वाले, मानो कि देवलोक के निवासी हूं। इसलिए जब पत्नी का देहांत हो गया तो कई दिनों तक हम लोगों को यह अंदेशा रहा कि यह महाशय कहीं आत्महत्या न कर बैठे। हम लोग सदैव उनकी दिलजोई करते रहते, कभी एकांत में न बैठने देते। रात को भी कोई ना कोई उनके साथ में लेटता ही था। ऐसे व्यक्तियों पर दूसरों को दया तो आती ही है। मित्रों की पत्नियां तो इन पर जान देती थीं। उनकी नजरों में वह देवताओं के भी देवता थे। उनकी मिसाल दे देकर अपने पुरुषों से कहती थीं कि इसे कहते हैं प्रेम। ऐसा पुरुष हो तो क्यों स्त्री उसकी गुलामी ना करे।
जब से बीवी मरी है इस गरीब ने कभी भरपेट खाना नहीं खाया, कभी नींद भर सोया नहीं, और तुम लोग हो जो कि दिल में मनाते रहते हो कि कब बीवी मर जाए तो नया ब्याह रचा ले। दिल में खुश हो गई कि अच्छा हुआ कि मर गई, रोग टल गया, अब नई नवेली स्त्री आएंगी। और अब महाशय जी का 45वां साल था, सुगठित शरीर था, स्वास्थ्य अच्छा था, रूपवान थे, विनोदशील और संपन्न भी, चाहते तो तुरंत ही दूसरा विवाह भी कर सकते थे, बस उनके हां करने की ही देर थी। गरज के बावले कन्या वालों ने संदेशे भेजने भी शुरू कर दिए थे, मित्रों ने भी उजड़ा हुआ घर बसाना चाहा, पर इस स्मृति के पुजारी ने प्रेम के नाम को दाग न लगाया। अब हफ्तों बाल नहीं बनते, कपड़े नहीं बदले जाते, घसियारों सी सूरत बनी हुई है, कोई परवाह ही नहीं। कहां तो मुंह अंधेरे उठते थे और 4 मील का चक्कर लगा करके आते थे, कभी अलसा जाते तो देवी जी घुड़कियां जमाती थी और उन्हें बाहर खदेड़ करके दरवाजा बंद कर लेती थी। कहां अब 8 बजे तक चारपाई पर पड़े करवटें बदलते रहते हैं, उठने का जी ही नहीं चाहता। खिदमतगार ने हुक्का ला करके रख दिया तो 2-4 कश लगा लिए, ना लाए तो भी कोई गम नहीं, चाय आई तो पी ली और अगर नहीं आई तो कोई परवाह नहीं। मित्रों ने बहुत गला दबाया तो सिनेमा देखने चले गए, लेकिन क्या देखा क्या सुना इसकी कोई खबर नहीं। कहां तो अच्छे अच्छे सूटों के खब थे, कोई खुशनुमा डिजाइन का कपड़ा आ जाए तो आप एक सूट जरूर बनवाते थे, और वह क्या बनवाएंगे, उनके लिए देवी जी बनवाएंगी। कहां कि अब पुराने धुराने बदरंग सिकुड़े सिकुड़ाए हुए ढीले ढाले कपड़े पहन करके ही काम चल जाए, और वो कपड़े भी अब दुबलेपन की वजह से उतरे उतरे से लगते हैं और जिन्हें अब किसी तरह से सूट कहा ही नहीं जा सकता। महीनों बाजार जाने की नौबत नहीं आती, इस बार जब कड़ाके का जाड़ा पड़ा तो आपने एक रुईदार नीचा लबादा बनवा लिया और खासे भगत जी बन गए, सिर्फ कंटोप की कसर थी। देवी जी होती तो यह लबादा छीन करके किसी फकीर को दे देती, मगर अब कौन है देखने वाला कि जिसे परवाह हो वह क्या पहनते हैं और कैसे रहते हैं। 45 की उम्र में जो आदमी 35 का लगता था वह अब 50 की उम्र में 60 का लगता है, कमर भी झुक गई है, बाल भी सफेद हो गए हैं, दांत भी अब गायब हो गए हैं। जिसने उन्हें तब देखा हो आज वो उन्हें पहचान भी नहीं सकता। मजा तो यह है कि तब जिन विषयों पर देवी जी से लड़ा करते थे वही अब उनकी उपासना के अंग बन गए हैं। मालूम नहीं कि उनके विचारों में इतनी क्रांति कहां से हो गई है, या फिर मृतात्मा ने उनकी आत्मा में लीन होकर के भिन्नताओं को ही मिटा दिया था। देवी जी को विधवा विवाह से घृणा थी, महाशय जी इसके पक्के समर्थक थे, लेकिन अब आप भी विधवा विवाह का विरोध करते हैं। आप पहले पश्चिमी या नई सभ्यता के भक्त थे और देवी जी का मजाक उड़ाया करते थे, पर इस सभ्यता की उनसे ज्यादा तीव्र आलोचना शायद ही कोई और कर सके। इस बार ऐसे ही अंग्रेजों के टाइम मैनेजमेंट की चर्चा चल रही थी। मैंने कहा, भाई इस विषय में तो हमें अंग्रेजों से सबक लेना चाहिए। बस आप तड़प करके उठ बैठे और उन्मत्त स्वर में बोले, कभी नहीं, प्रलय तक नहीं। मैं इस नियंत्रण को स्वार्थ का स्तंभ, अहंकार का हिमालय और दुर्बलता का सहारा समझता हूं। एक व्यक्ति मुसीबत का मारा आपके पास में आता है, मालूम नहीं कौन सी जरूरत उसे आपके पास में खींच करके लाई है, लेकिन आप फरमाते हैं कि भाई हमारे पास तो समय नहीं है। यह उन्हीं लोगों का व्यवहार है जो कि धन को मनुष्यता से ऊपर समझते हैं, जिनके लिए जीवन केवल धन है। जो व्यक्ति सहृदय है वह कभी भी इस नीति को पसंद नहीं करेगा। हमारी सभ्यता धन को इतना ऊंचा स्थान नहीं देती थी, हम अपने द्वार हमेशा खुले रखते थे, जिसे जब जरूरत हो हमारे पास में आए हम पूर्ण तन्मयता से उसका वृत्तांत सुनेंगे और उसके हर्ष या शोक में शरीक होंगे। हमारी सभ्यता है भाई, जिस सभ्यता की स्पिरिट स्वार्थ हो वह सभ्यता नहीं है, संसार के लिए अभिशाप है, समाज के लिए
विपत्ति है। इस तरह धर्म के विषय में भी दंपत्ति में काफी वितंगड़ा होता था। देवी जी हिंदू धर्म की अनुगामिनी थीं और आप इस्लामी सिद्धांतों के कायल थे, मगर अब आप भी पक्के हिंदू हैं, बल्कि ऐसा कहिए कि आप मानव धर्मी हो गए हैं। एक दिन बोले, मेरी कसौटी तो है मानवता। जिस धर्म में मानवता को प्रधानता दी गई है, बस वही धर्म मेरा है। कोई देवता हो कि नबी हो कि पैगंबर हो, अगर वह मानवता के विरुद्ध कुछ करता है तो मेरा उसे दूर से ही सलाम है। इस्लाम का मैं इसलिए कायल था कि वह मनुष्य मात्र को एक समझता है, ऊंच नीच का वहां कोई स्थान नहीं है। लेकिन अब मालूम हुआ है कि यह समता और भाईपन व्यापक नहीं है, केवल इस्लाम के दायरे तक ही परिमित है। दूसरे शब्दों में, अन्य धर्मों की भांति यह भी गुटबंदी ही है और इसके सिद्धांत केवल इस गुट या समूह को सबल और संगठित बनाने के लिए रचे गए हैं। और जब मैं देखता हूं कि यहां भी जानवरों की कुर्बानी शरीयत में दाखिल है और हर एक मुसलमान के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेड़, बकरी, गाय या ऊंट की कुर्बानी फर्ज बताई गई है, तो मुझे उसके अपौरुषेय होने में संदेह होने लगता है। हिंदुओं में भी ऐसे समुदाय हैं जो कि पशु बलि को अपना धर्म समझता है। यहूदियों में, ईसाइयों में और भी दूसरे मतों में कुर्बानी की बड़ी महिमा गाई गई है। इसी तरह एक समय नर बलि का भी रिवाज था। आज भी कहीं कहीं उस संप्रदाय के नाम लेवा मौजूद हैं, मगर क्या सरकार ने नर बलि को अपराध नहीं ठहराया और ऐसे मजहबी दीवानों को फांसी नहीं दी? अपने स्वाद के लिए आप भेड़ को जबह कीजिएगा या गाय, ऊंट और घोड़े को। देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर कुर्बानी मेरी समझ में नहीं आती। अगर आज इन जानवरों का राज हो जाए तो वे इन कुर्बानियों के जवाब में हमें और आपको कुर्बान कर दें कि नहीं? मगर हम जानते हैं कि जानवरों में कभी यह शक्ति नहीं आएगी, इसलिए हम बेधड़क कुर्बानियां देते रहते हैं और समझते हैं कि हम तो बड़े धर्मात्मा हैं। स्वार्थ और लोभ के लिए हम 2400 घंटे अधर्म करते हैं, कोई गम नहीं, लेकिन कुर्बानी का पुण्य लूटे बिना हमसे रहा नहीं जाता। अरे तो जनाब, मैं से खून के प्यासे धर्मों का भक्त नहीं हूं। यहां तो मानवता के पुजारी हैं, चाहे इस्लाम में हो कि हिंदू धर्म में हो या बौद्ध धर्म में हो या ईसाइयत में हो, अन्यथा विधर्मी हो भला। मुझे कोई मनुष्य से इसलिए कोई द्वेष तो नहीं है कि वह मेरा स्वधर्मी नहीं है या मेरे धर्म का नहीं है, और मैं किसी का कोई खून तो नहीं बहाता ना कि मुझे कोई पुण्य मिल जाएगा। इस तरह के कितने ही परिवर्तन महाशय जी के विचारों में आ गए थे, और महाशय जी के पास में संभाषण का केवल एक ही विषय है जिससे वह कभी नहीं थकते, और वह है उस स्वर्गवासिनी का गुणगान। कोई मेहमान आ जाए तो आप बावले से इधर उधर दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं सोचता कैसे उसकी खातिर करें, क्षमा याचना करने के लिए शब्द ढूंढते रहते हैं। अरे भाईजान, मैं अब क्या आपकी खातिर करूं? जो आपकी सच्ची खातिर करती वो तो रही नहीं। इस वक्त तक आपके सामने चाय और टोस्ट और बादाम का हलवा आ जाता, संतरे और सेब छिले छिलाए तश्तरियों में रख दिए जाते। मैं तो निरा उल्लू। अरे भाई साहब, बिल्कुल काठ का उल्लू हूं मैं। मुझमें जो कुछ अच्छा था वह सब उसका ही प्रसाद था। उसी की बुद्धि से मैं बुद्धिमान था और उसी की सज्जनता से मैं सज्जन था, उसी की उदारता से उदार था। अब तो मेरा मिट्टी का पुतला हूं भाई साहब, बिल्कुल मुर्दा हो गया। मैं उस देवी के योग्य था ही नहीं, न जाने किन शुभ कर्मों के फल से वह मुझे मिली थी। आइए आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूं, मालूम होता है कि जैसे अभी उठ करके चली गई है। देखिए भाई साहब, आपसे साफ कहता हूं, मैंने ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी। उसके रूप में केवल रूप की गरिमा ही नहीं थी, रूप का माधुरी भी था और मादकता भी। एक एक अंग सांचे में ढला हुआ था साहब। आप उसे देख करके कवियों के नक्श को लात मारते।
आप उत्सुक नेत्रों से वह तस्वीर देखते हैं और आपको उसमें कुछ खास सुंदरता दिखती नहीं। मोटा सा शरीर है, चौड़ा सा मुंह है, छोटी छोटी आंखें, रंग ढंग से दहकानीपन झलक रहा है। उस तस्वीर की खूबियां कुछ इस अनुराग और प्रेम से, इस आडंबर से बयान किए जाते हैं कि आपको सचमुच इस चित्र में सौंदर्य का आभास होने लगता है। इस गुणगान में कितना समय जाता है, यही महाशय के जीवन के आनंद की घड़ियां हैं। इतनी ही देर में वह जीवित रहते हैं और शेष जीवन निरानंद निस्पंद है। लेकिन कुछ दिनों तक तो वह हमारे साथ में हवा खाने जाते रहे, वह क्यों ना जाते। मैं जबरदस्ती ठेल ठाल करके ले जाता रहा, लेकिन रोज आधे घंटे तक उनका इंतजार करना पड़ता था। किसी तरह घर से निकलते भी तो जनवासे वाली चाल में चलते और आधा मील ही हिम्मत हार जाते थे। लौट चलने का तकाजा करने लगते। आखिर मैंने उन्हें साथ ले जाना ही छोड़ दिया और तब से उनकी चहलकदमी 40 कदम की ही रह गई थी। सैर क्या है, बेकार है, और वह भी इसलिए कि देवी जी के सामने उनका नियम था। एक दिन उनके दरवाजे के सामने से निकला तो देखा कि ऊपर की खिड़कियां, जो कि बरसों से बंद पड़ी हुई थी, खुली हुई हैं। अचरज तो हुआ। द्वार पर नौकर बैठा हुआ नारियल पी रहा था। मैंने उससे पूछा, तो मालूम हुआ कि आप घूमने को गए हुए हैं। मुझे थोड़ा मीठा सा विस्मय हुआ। आज तो यह नई बात हो गई, इतने सवेरे तो वह कभी नहीं उठते थे, और जिस तरफ वो गए थे उधर ही मैंने भी कदम बढ़ा दिए। इधर एक हफ्ते के लिए मैं एक नौते में चला गया था, और इस बीच यह क्या कायापलट हो गई थी। जरूर कोई ना कोई रहस्य तो जरूर है, और यह भला आदमी कितनी दूर निकल गया है, 2 मील तक तो कहीं कोई पता ही नहीं। मैं निराश हो गया, मगर यह महाशय रास्ते में रह कहां गए। यहां तो किसी से उनकी मुलाकात भी नहीं हुई। अब मुझे कुछ चिंता भी होने लगी थी कि कहीं किसी कुएं में तो नहीं कूद पड़े। मैं लौटने ही वाला था कि आप लौटते हुए नजर आए। चित्त मेरा शांत हुआ। आज तो कुछ और ही मूड था। बाल नए फैशन के कटे हुए थे, मूछें साफ, दाढ़ी चिकनी, चेहरा खिला हुआ, चाल में चपलता, सूट पुराना पर ब्रश किया हुआ, और शायद स्त्री भी की हुई थी। बूट पर ताजा पॉलिश था। मुस्कुराते हुए चले आ रहे थे। मुझे देखते ही लपक करके हाथ मिलाए, बोले, आज कई दिनों के बाद में मिले हो, कहां गए थे। मैंने अपनी गैर हाजिरी का कारण बता करके कहा, मैं डरता हूं कि आज तुम्हें नजर ना लग जाए। अब मैं नित्य तुम्हारे साथ में घूमने आया करूंगा। आज बहुत दिन के बाद में तुम इंसान की तरह लग रहे हो। वो झेप करके बोले, अरे नहीं भाई, मुझे अकेला ही रहने दो। तुम लगोगे दौड़ने और ऊपर से घुड़कियां जमाओगे। अब मैं अपने हौले हौले चला जाता हूँ, जब थक जाता हूँ तो कहीं बैठ लेता हूँ। अब ऐसी दशा तो तुम्हारी एक हफ्ते पहले नहीं थी। आज तो तुम बिल्कुल अप टू डेट लग रहे हो। इस चाल से तो शायद तुम मुझे पीछे ही छोड़ दोगे। अरे चलो यार, क्या बातें करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कल तुम्हारे साथ में घूमने आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। अरे नहीं भाई, मुझे परेशान ना करो। मैं आजकल बड़े सवेरे उठ जाता हूँ, रात को नींद आती नहीं। सोचता हूँ कि टहल ही आऊँ, तो मेरे साथ में क्यों परेशान होना चाहते। मेरा विस्मय बढ़ता जा रहा था कि यह महाशय हमेशा मेरे पैरों पर गिरते थे कि मुझे भी साथ ले लिया करो, और जब मैंने इनकी मंथरता से हार करके इनका साथ छोड़ दिया तब इन्हें बड़ा दुख हुआ था। 2-1 बार मुझसे शिकायत भी की कि हाँ भाई, अब क्यों साथ दोगे, अभागों का साथ किसने दिया है, या तुम कोई नई रीति निकालोगी। जमाने का दस्तूर है, जो लंगड़ाता है उसे ढकेल दो, जो बीमार हो उसे जहर दे दो, और वही आदमी आज मुझसे पीछा छुड़ा रहा है। यह क्या रहस्य हुआ, यह चपलता, यह प्रसन्नता, यह सजीवता कहां से आ गई। कहीं आपने बंदर की गिल्टी तो नहीं लगवा ली। यह नया सिविल सर्जन
गिल्टी आरोपण की कला में सिद्धहस्त है। मुमकिन है कि तुम्हें किसी ने सजा दिया हो और आपने 1500 खर्च करके गिल्टी बदलवा ली हो। इस पहेली को बूझे बगैर चैन कहा उनके साथ ही मैं लौट पड़ा। दो चार कदम चल करके मैंने पूछा, सच बताओ भाईजान, गिल्टी विल्टी तो नहीं लगवा ली? उन्होंने प्रश्न को आंखों से देखा, कैसी गिल्टी, समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हो। देखो मुझे तो संदेह हो रहा है कि तुमने बंदर की गिल्टियां लगवा ली। अरे यार क्यों कोसते हो, गिल्टियां किस लिए लगवाता, मुझे तो इसका कभी ख्याल भी नहीं आया। तो क्या कोई बिजली का यंत्र मंगवा लिया है? अरे तुम क्यों मेरे पीछे हाथ धो करके पड़े हो, विधवा भी तो कभी कभी सिंगार कर ही लेती है, अब जी ही तो है। एक दिन मुझे अपने आलस्य और बेदली पर खेद हुआ, मैंने सोचा कि संसार में जीना है तो जिंदों की तरह क्यों ना जीऊं, मुर्दों की तरह जीने का क्या फायदा है। बस और कोई बात नहीं है, ना कोई रहस्य है। मुझे इस व्याख्या से संतोष न हुआ। दूसरे दिन जरा और सवेरे आकर के मुंशी जी के द्वार पर आवाज दी, लेकिन आप आज भी निकल चुके थे। मैं उनके पीछे भागा, जिद पड़ गई कि इसे अकेले न जाने दूंगा, देखूं कि कब तक मुझसे भागता है। कोई तो रहस्य जरूर है। अच्छा बच्चा, आधी रात को आकर के बिस्तर से ना उठाऊं तो सही। दौड़ तो ना सका लेकिन जितना तेज चल सकता था चला। एक मील के बाद में आप नजर आए और बगटुट भागे चले जा रहे थे। अब मैं बार बार पुकार भी रहा हूं कि हजरत जरा ठहर जाइए, मेरी सांसें फूल रही हैं, मगर आप हैं कि सुनते ही नहीं। आखिर जब मैंने अपने सर की कसम दी तब जाकर के आप रुके। मैं झपाटे में पहुंचा तो तुनक करके बोले कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे घर में मत आया करो, तो फिर क्यों मेरे घर में आए हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मुझे आप धीरे धीरे घूमने दो, तुम अपने रास्ते जाओ। मैंने उनका हाथ पकड़ करके जोर से झटका दिया और बोले, देखो हीरो मुझसे उड़ो नहीं, वरना तुम मुझे जानते हो कि कितना खराब आदमी हूं मैं। तुम यह धीरे धीरे टहल रहे हो कि डबल मार्च कर रहे हो, मेरी पिंडलियों में दर्द होने लगा है और पसलियां दुख रही हैं। हाँ डाक का हरकारा भी इतनी तेज नहीं चलता, उस पर गजब यह है कि तुम थके भी नहीं हो, अब भी उसी दमखम से भागे चले जाते हो। अब तो तुम डंडे लेकर के भगाओ तो भी तुम्हारा दामन न छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ में 2 मील मैं भी चलूंगा तो अच्छी खासी कसरत हो जाएगी। मगर अब साफ साफ बतलाओ कि बात क्या है, तुम में यह जवानी कहां से आ गई? अगर किसी अक्सीर का सेवन कर रहे हो तो मुझे भी दे दो, कम से कम मंगाने का पता तो बता दो, मैं मंगवा लूंगा। अगर किसी दुआ ताबीज की करामात है तो तुम मुझे भी उस पीर के पास में ले चल। वो मुस्कुरा करके बोले, अजीब पागल आदमी हो यार, झूठ मूठ में मुझे परेशान किए जा रहे हो। बूढ़े हो गए मगर तुम्हारा लड़कपन गया नहीं। तुम क्या चाहते हो कि मैं हमेशा उसी तरह मुर्दा बना घर पे पड़ा रहूं? इतना भी तुमसे नहीं देखा जाता हैं? तब तो तुम्हारे मिजाज ही ना मिलते थे। कितनी चिरौरी की कि भाईजान मुझ भकुए को भी अपने साथ में ले लिया करो, मगर आप नखरे दिखाने लगते थे। अब क्यों मेरे पीछे पड़े हो? देखो इतना समझ लो कि जो आदमी अपनी मदद खुद करता है भगवान उसकी मदद करता है। देखो मित्रों और बंधुओं की मुरव्वत में देख चुका हूं, अब मैं अपने हिसाब से चलूंगा। वह इसी तरह मुझे कोसते हुए चले जा रहे थे और मैं भी उन्हें छेड़ छेड़ करके और भी उत्तेजित किए जा रहा था कि एकाएक उन्होंने उंगली मुंह पर रख करके मुझे चुप रहने का इशारा किया और जरा कद और सीधा करके चेहरे पर प्रसन्नता और पुरुषार्थ का रंग भर करके और भी मस्तानी चाल में चलने लगे। मेरी समझ में जरा भी ना आया कि यह संकेत और बहुरूप किस लिए है, यहां तो कोई दूसरा था भी नहीं। फिर मैंने देखा कि सामने से एक स्त्री चली आ रही थी, मगर उसके सामने इस पर्देदार की क्या जरूरत थी, मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं था। आसमानी रंग की रेशमी साड़ी जिस पर पीला लेस टका हुआ था उस पर खूब खिल रहा था,
रूपवती तो नहीं थी, मगर रूप से ज्यादा मोहक थी उसकी सरलता और प्रसन्नता। एक बहुत ही मामूली सी शक्ल सूरत की औरत इतनी नयनाभिराम हो सकती है, यह मैं न समझ सकता था। उसने होरीलाल के बराबर आकर के नमस्कार किया। होरीलाल ने जवाब में सर तो झुका दिया, मगर बिना कुछ बोले हुए आगे बढ़ना चाहते थे कि उसने कोयल के स्वर में कहा, क्या अब लौटिएगा नहीं? आप अपनी सीमा से आगे बढ़े जा रहे हैं। और हाँ, आज तो आपने मुझे देवी जी की तस्वीर देने का वादा किया था, शायद भूल गए। आपके साथ में चलूं क्या? महाशय जी कुछ ऐसे बौखलाए हुए थे कि मामूली शिष्टाचार भी न कर सके। यूं तो वह बड़े ही सभ्य पुरुष हैं और शिष्टाचार में निपुण हैं, लेकिन इस वक्त जैसे कि उनके हाथ पैर फूले हुए थे। एक कदम और बढ़ करके बोले, आप क्षमा कीजिए, मैं जरा एक काम से जा रहा हूं। महिला ने कुछ चिढ़ा करके कहा, अरे आप तो जैसे भागे चले जा रहे हैं, मुझे तस्वीर दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? महाशय जी ने मेरी ओर कुपित नेत्रों से देखकर कहा, तलाश करूंगा। सुंदरी ने शिकायत के स्वर में कहा, आपने तो फरमाया था कि वह हमेशा आपकी मेज पर रहती है, और अब आप कहते हैं कि तलाश करूंगा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जब से आपने उनका चरित्र सुनाया है, मैं तो उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो रही हूं। अगर आप यूं ना देंगे तो मैं आपकी मेज से उठा लाऊंगी। फिर मेरी ओर देख करके, आप मेरी मदद कीजिएगा ना महाशय? यद्यपि मैं जानती हूं कि आप इनके मित्र हैं और इनके साथ में दगा ना करेंगे, आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि यह कौन औरत है और महाशय जी से इतनी निसंकोच होकर के क्या बातें कर रही है। इनसे पहली बार मेरा परिचय सब्जी मंडी में हुआ था। मैं शाक भाजी खरीदने गई हुई थी और अपनी भाजी में खुद ही लाती हूं। जिस चीज पर जीवन का आधार है, उसे नौकरों के हाथ में नहीं छोड़ना चाहती। भाजी लेकर के दाम देने के लिए मैंने जैसे ही रुपया निकाला तो कुंजड़े ने उसे टंकार कर कहा कि रुपया दूसरा दे दो, यह तो खोटा है। जब मैंने उसे खुद टंकारा तो मुझे मालूम हुआ कि यह तो सचमुच में ही ठस है। अब क्या करूं, मेरे पास दूसरा रुपया तो था नहीं। यद्यपि इस तरह के कटु अनुभव मुझे कितनी ही बार हो चुके हैं, मगर घर से रुपये लेकर के चलते वक्त मुझे उसे परख लेने की याद नहीं रहती, और ना ही किसी से लेते हुए मैं परख करती हूं। इस वक्त मेरे संदूक में कहीं ज्यादा नहीं तो 20-25 खोटे रुपए पड़े होंगे, और रेजगारियां तो सैकड़ों की होंगी। मेरे लिए अब इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं था कि भाजी लौटा करके खाली हाथ चली जाऊं। संयोग से महाशय जी उसी दुकान पर भाजी लेने आए थे। मुझे इस विपत्ति में देख करके आपने तुरंत 1 रुपया निकाल करके दे दिया। महाशय जी ने बात काट करके कहा, अरे तो इस वक्त आप ये सब कथा क्यों सुना रही हैं? हम दोनों ही बड़े जरूरी काम से जा रहे हैं, अब बेकार की देर हो रही है। देखिए, जाने दीजिए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी ओर खींचा। मुझे उनकी यह अभद्रता बुरी लगी। कुछ कुछ इसका रहस्य भी समझ में आ गया। मैं बोला, तो आप जाइए, मुझे ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है, मैं अभी लौटना नहीं चाहता। महाशय जी ने दांत पीस लिए। अगर वह सुंदरी वहां ना होती तो न जाने मेरी क्या दुर्दशा करते। एक क्षण मेरी ओर अग्नि भरे नेत्रों से ताकते रहे, मानो कि कह रहे हो कि अच्छा, इसका मजा ना चिखाया तो कहना, और फिर चल दिए। मैं देवी के साथ में लौटा। सहसा उसने हिचकिचाते हुए कहा, मगर नहीं, आप जाइए, मैं उनके साथ में जाऊंगी। शायद मुझसे नाराज हो गए हैं, आज एक सप्ताह से मेरा और उनका रोज का ही साथ हो जाता है, और अब अपनी जीवन कथा सुनाया करते हैं। कैसी नसीब वाली थी वह औरत जिसका पति आज भी उसके नाम की पूजा करता है। आपने तो उन्हें देखा ही होगा, क्या सचमुच वह इन पर जान देती थी? मैंने गर्व से कहा, अरे दोनों में बहुत इश्क था, और जब से उनका देहांत हुआ है यह दुनिया से मुंह मोड़ करके बैठे हुए हैं, और इससे भी ज्यादा तो यह बात है कि उसकी स्मृति के सिवा जीवन में इनके लिए कोई रस है ही नहीं। क्या वह रूपवती थी?
अब इनकी दृष्टि में तो उससे बढ़कर के रूपवती संसार में कोई नहीं थी। उसने एक मिनट तक किसी विचार में मगन होकर के कहा, अच्छा ठीक है, आप जाएं, मैं उनके साथ में बात करूंगी। ऐसे देवता पुरुष की मुझसे जो भी सेवा हो सकती है उसमें क्यों देर करूं? मैं तो इनका वृत्तांत सुनकर के मोहित हो गई हूं। मैं अपना सा मुंह लेकर के घर की ओर चल पड़ा। इत्तफाक से उसी दिन मुझे एक जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा और वहां से एक महीने में लौटा। और सबसे पहला काम जो मैंने किया वह महाशय होरीलाल का क्षेम कुशल पूछना था। इस बीच में क्या क्या नई बातें हो गईं यह जानने के लिए मैं अधीर हो रहा था। दिल्ली से इन्हें मैंने एक पत्र लिखा था, पर इन हजरत में यह बुरी आदत है कि पत्रों का जवाब नहीं देते। सुंदरी से इनका अब क्या संबंध है, आम दरख्त जारी है या बंद हो गई है, उसने इनके पत्नी व्रत का क्या पुरस्कार दिया है या देने वाली है, इस तरह के प्रश्न मेरे मन में उबल रहे थे। मैं महाशय जी के घर पहुंचा तो करीब 8 बज रहे थे। खिड़कियों के पट बंद थे और सामने बरामदे में कूड़ा करकट का ढेर था। ठीक वही दशा थी जो कि पहले नजर आती थी। चिंता और बढ़ गई। ऊपर गया तो देखा कि आप उसी फर्श पर पड़े हुए हैं जहां पर दुनिया भर की चीजें बेढंगे से अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं। एक पत्रिका के पन्ने उलट रहे हैं, शायद एक सप्ताह से बाल भी नहीं बने थे। चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। मैंने पूछा, आप सैर करके लौटाए क्या? तो सिटपिटा करके बोले, अजी सैर सपाटे की कहां फुर्सत है भाई, और फुर्सत हो भी तो अब वो दिल कहां। अरे तुम तो कहीं बाहर गए थे ना? हाँ जरा दिल्ली तक गया था। वैसे अब वो आपकी सुंदरी कहाँ है, उनसे मुलाकात नहीं होती क्या? हाँ यार बहुत दिनों से नहीं हुई। कहीं चली गई क्या? अब मुझे क्या खबर, मगर आप तो उस पर बुरी तरह से रीझे हुए थे। मैं उस पर रीझा था? आप पागल वागल तो नहीं है? जिस पर रीझा था जब उसी ने साथ ना दिया तो अब दूसरों पर क्या रीझूंगा। मैंने बैठ करके उनकी गर्दन में हाथ डाल दिया और धमका करके बोला, देखो होरीलाल, मुझे चकमा ना दो। पहले मैं तुम्हें जरूर पत्नी व्रता समझता था, लेकिन तुम्हारी ये रसिकता देख करके, जिसका दौरा तुम्हारे ऊपर एक महीने पहले चला हुआ था, मैं यह नहीं मान सकता कि तुम अपनी अभिलाषाओं को सदा के लिए दफन कर दिए हो। इस बीच में जो कुछ भी हुआ है ना, उसका पूरा का पूरा वृत्तांत मुझे सुनाना पड़ेगा, वरना कि समझ लो कि मेरी और तुम्हारी दोस्ती का अंत यहीं पे है। होरीलाल की आंखें सजल हो गईं, हिचक हिचक करके बोले, मेरे साथ में इतना बड़ा अन्याय ना करो भाईजान। अगर तुम ही मेरे ऊपर संदेह करने लगोगे तो मैं कहीं का ना रहूंगा। उस स्त्री का नाम मिसिंद्रा है। यहां जो लड़कियों का हाई स्कूल है उसी की हेड मिस्ट्रेस होकर के आई है। मेरा उससे कैसे परिचय हुआ या तो तुम्हें पता ही है, उसकी सहृदयता ने मुझे उसका प्रेमी बना दिया था। इस उम्र में और शोक का भार सर पर रखे हुए सहृदयता के सिवा मुझे उसकी कौन सी चीज खींच सकती थी। मैं केवल अपनी मनोव्यथा की कहानी सुनाने के लिए नित्य विरहियों की उमंग के साथ में उसके पास में जाता था। वह रूपवती है, खुशमिजाज है, दूसरों का दुख समझती है और स्वभाव की भी बहुत कोमल है, लेकिन तुम्हारी भाभी से उसकी क्या तुलना। वह तो स्वर्ग की देवी थी। उसने मुझ पर जो रंग जमा दिया उस पर अब कोई दूसरा रंग क्या जमेगा। मैं उसी ज्योति से जीवित था, उस ज्योति के साथ में मेरा जीवन भी विदा हो गया। अब तो मैं उसी प्रतिमा का उपासक हूं जो कि मेरे हृदय में है। किसी हमदर्द की सूरत देखता हूं तो निहाल हो जाता हूं और अपने दुख की कथा सुनाने के लिए दौड़ता हूं। यह मेरी दुर्बलता है मैं जानता हूं, मेरे सभी मित्र इसी कारण मुझसे भागते हैं यह भी मैं जानता हूं, लेकिन क्या करूं। अरे भैया, किसी ना किसी को दिल की लगी सुनाए बिना मुझसे रहा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है कि जैसे मेरा दम घुट जाएगा। इसलिए जब मिस इंदिरा ने मुझ पर दया दृष्टि की तो मैंने इसे दैवीय अनुरोध समझा और मेरी धुन को, जिसे मेरे दोस्त उन्माद भी कहते हैं, वह सब कुछ मैं कह गया जो कि मेरे मन में था और है और मरते दम तक रहेगा। उन शुभ दिनों की याद में कैसे भुला दूं, मेरे लिए तो वह अतीत वर्तमान से भी ज्यादा सजीव और प्रत्यक्ष है।
मैं तो अब भी उसी अतीत में रहता हूं। मिस इंदिरा को मुझ पर दया आ गई। एक दिन उन्होंने मेरी दावत की और कई स्वादिष्ट खाने अपने हाथ से बना करके खिलाए। दूसरे दिन मेरे घर आई और मेरे घर की सभी चीजों को व्यवस्थित रूप में सजा करके चली गई। तीसरे दिन कुछ कपड़े लेकर के आई और मेरे लिए खुद एक सूट तैयार कर दिया। इस कला में वो बड़ी चतुर है। एक दिन शाम को क्वींस पार्क में मुझसे बोली कि आप अपनी शादी क्यों नहीं कर लेते। मैंने हंस करके कहा, अब इस उम्र में क्या शादी करूंगा, दुनिया क्या कहेगी। मिस इंदिरा बोली, आपकी उम्र अभी ऐसी भी क्या है, आप 40 से ज्यादा नहीं मालूम होते। मैंने उनकी भूल सुधारी, जी मेरा 50वां साल चल रहा है। उन्होंने मुझे प्रोत्साहन देकर के कहा, उम्र का हिसाब साल से नहीं होता महाशय, सेहत से होता है। आपकी सेहत तो बड़ी अच्छी है, आपको बस कोई पान की तरह फेरने वाला चाहिए। किसी युवती के प्रेम के पाश में फंस जाइए, फिर देखिए कि यह नीरसता कहां गायब हो जाती है। मेरा दिल धड़ धड़ करने लगा। मैंने देखा कि मिस इंदिरा के गोरे मुखमंडल पर हल्की सी लाली दौड़ गई है, उनकी आंखें शर्म से झुकी हुई हैं और कोई बात बार बार उनके होठों पर आकर के लौट जा रही है। आखिर उन्होंने आंखें उठाई और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर के बोली, अगर आप समझते हो कि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकती हूं तो मैं हाजिर हूं। मुझे आपसे जो भक्ति और प्रेम है वह इसी रूप में चरितार्थ हो सकता है। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया और कांपते हुए स्वर में बोला, मैं तुम्हारी इस कृपा का कहां से धन्यवाद दूं मिस इंदिरा, मगर मुझे बहुत ही अफसोस है कि मैं सजीव मनुष्य नहीं, केवल मधुर स्मृतियों का पुतला हूं। मैं उस देवी की स्मृति को अपनी लिप्सा और तुम्हारी सहानुभूति को अपनी आसक्ति से भ्रष्ट नहीं करना चाहता। मैंने इसके बाद में बहुत सी चिकनी चुपड़ी बातें की, लेकिन जब तक यहां रही वह मुंह से कुछ बोली नहीं। जाते समय भी उनकी भवें तनी हुई थी। मैंने अपने आंसुओं से उनकी ज्वाला को शांत करना चाहा, लेकिन कोई असर ही नहीं हुआ। तब से वह नजर ही नहीं आई। ना मुझे हिम्मत पड़ी कि उनको तलाश करता। हालांकि चलती बार उन्होंने मुझसे कहा था कि जब आपको कोई कष्ट हो और कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। होरीलाल ने अपनी कथा समाप्त करके मेरी ओर ऐसी आंखों से देखा जो कि चाहती थी कि मैं उनके व्रत और संतोष की प्रशंसा करूं, मगर मैंने उनकी भर्त्सना की। कितने फालतू आदमी हो तुम होरीलाल, मुझे तुम्हारे ऊपर दया भी आती है और गुस्सा भी आता है। अरे बेवकूफ आदमी, तेरी जिंदगी सवर जाती, पर स्त्री नहीं थी, ईश्वर की भेजी हुई देवी थी जो कि तेरे अंधेरे जीवन को अपने मधुर ज्योति से आलोकित करने के लिए आई थी। तूने इतना सोने सा मौका अपने हाथ से खो दिया है। होरीलाल ने दीवार पर लटके हुए अपनी पत्नी के चित्र की ओर देखा और प्रेम पुलकित स्वर में बोले, मैं तो उसी का आशिक हूं भाईजान, और उसी का आशिक रहूंगा। तो यह थी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई एक बहुत ही कमाल की कहानी। और मैंने उनकी दूसरी कहानियां भी पढ़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह कहानी काफी अंडररेटेड है, क्योंकि ये कहानी है बड़ी अच्छी। तो इसमें दिखाया गया है कि एक स्त्री और पुरुष है, एक कपल है जो कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं, और इसमें बड़ी डिटेलिंग करी गई है। जैसे कि जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो सभी से अपनी पत्नी की खूबसूरती की बड़ी तारीफ करते हैं, जबकि उसमें बताया गया है कि वो बड़ी एवरेज सी दिखती थी। तो यहाँ पे एक ऐसा एस्पेक्ट आ जाता है कि जिसे भी लोग पसंद करते हैं वो अपने आप खूबसूरत दिखने लगता है, और जिससे आप नफरत करते हैं वो कितना भी खूबसूरत हो वो आपको बदसूरत ही दिखता है। तो यहाँ पे बात होती है कमिटमेंट की और प्रैक्टिकलिटी की। तो जब इनकी पत्नी की डेथ हो जाती है तो वो उसी मेमोरीज में वो ट्रैप होकर के रह जाते हैं। अब ये सही बात है कि गलत बात है, वो मेरे ख्याल से काफ़ी एक पर्सनल चीज़ है। किसी को शायद यही अच्छा लगेगा कि मेमोरीज के साथ में रह जाओ, और किसी को ऐसा लगेगा कि चलो मूव ऑन करो, कुछ
किसी और के साथ में संबंध बना लो, तो दोनों ही तरह के लोग होते हैं, जो जिस तरह की चीज़ में कंफर्टेबल हों वो वैसे करें, उनका मेरे ख्याल से पर्सनल मैटर है और पर्सनल चॉइस पे ही छोड़ देना चाहिए। तो इसमें इन्होंने चूज़ किया कि वो यादों के साथ में ही रहें। तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, ये भी सही है, वो भी ठीक है, अपनी अपनी चॉइसेस हैं। तो बहुत अच्छी कहानी थी और सुनाने में बहुत मज़ा आया। अगर आपको सुनने में अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।